नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज की इस वीडियो से आपके कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, तो ऑल एग्जाम्स जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, CISF का जो, और अभी जो SSC GD का नोटिफिकेशन आया है उन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया कि 120 मीटर लंबी चलती हुई एक रेलगाड़ी ने उसे 9 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना। देखिए गए CISF कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ रियल क्वेश्चंस है। सो इसके लिए करना क्या है, देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है, 120 मीटर। हमको ये कितना में निकालना है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्चुअल में है मीटर में, और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको इसकी चाल निकालनी है। सबसे पहले क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल हमको कितना दी गई है, चाल उसकी चाल हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। दूरी 120 है, समय कितना है 9, जबकि वो सेकेंड में है। सेकेंड को हमको जो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, मतलब सेकेंड को मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का इंटू कर देना है। जैसे सॉरी 5/18 का 5 × 10, इस तरीके से हम इतना करेंगे। अब इसमें क्या होगा, आगे क्या करेंगे कि 120, ये 18 इधर चला जाएगा, मतलब 18 का इंटू हो जाएगा 120 में डिवाइड में 9 × 5 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 9 × 18, 5 × 10, 5 × 20, 24 × 2, इन दोनों का इंटू कर देंगे 48। 48 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चाल आप देख सकते हैं ज्ञात करनी है, और क्वेश्चन हमको दिया क्या है, मीटर में और सेकेंड में। तो सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 का इंटू कर देंगे सेकेंड में, तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा घंटे में। फिर इसको काटेंगे तो 48 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी PDF में कुछ ये क्वेश्चंस तो आपने देख लिया इस स्लाइड में। अगली वाली स्लाइड में आप देखिएगा कि कह रहा है क्या, ए किसी कार को अकेले क्रमशः 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए आरंभ करे यदि बारी बारी से, यहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से मतलब कि एक करेगा तो एक दिन ए करेगा तो उस दिन बी नहीं करेगा, इस तरीके से करना है। तो हम इसके लिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी, ए 10 दिन में बी 15 दिन में, इन दोनों का हम ऐसा संख्या LCM यहाँ पे हमको लेना है। LCM टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। LCM या ऐसी संख्या लेनी है जो ए और बी की जो संख्याएं दी गई है उनसे वो कट जाए। तो
यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, 30, 30 ले लेंगे, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 15 से कटेंगे तो 2 बार में। अब यहाँ पे ए जो कार्य करता है एक दिन में 3 करता है, बी उसी कार्य को 2 करता है, ए 3 काम करेगा तो बी 2 काम करेगा। अब अगर हमको इनकी ओवरऑल वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 काम है, 5 इन लोग करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 करेंगे और टोटल काम 30 है। तो अगर इस तरीके से हम करें तो ये 6 काम एक दिन में दोनों मिलकर कर देंगे, मतलब सॉरी 6 दिन में कर देंगे, क्योंकि ये एक एक दिन में करेंगे, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो 6 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो उसका दोगुना समय लगेगा, क्योंकि एक दिन ए आएगा एक दिन बी आएगा। तो इसका ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब 12 दिन में दोनों, अगर एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा तो 12 दिन का समय लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो नल अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों नलों को इकट्ठा खोले जाने पर टैंक यानी जो तालाब इसमें बोला गया कितने समय में भर जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है सीआईएसएफ कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बराबर 20, बी बराबर 30, हमको लेना है ऐसी संख्या या एलसीएम जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, ए प्लस बी, या इसको हम यहाँ पे ए बराबर 3 काम करता है, बी जो है 2 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इकट्ठा दोनों को खोलेंगे, इनको हम जोड़ेंगे 5, टोटल काम है 60, 5 से इसको करेंगे डिवाइड, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 12 दिन सॉरी 12 मिनट, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी देखिए टाइम एंड वर्क का ही है, मतलब 2016 में जो एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए उनमें टाइम एंड वर्क के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ए जो है किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वो मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो ए का भाग हमको बताना है, मतलब ए कितना कार्य करेगा अगर वो दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो ए का पार्ट हमको बताना है। देखिएगा इसमें क्या है, ए 6 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, हम यहाँ पे 12 को ही ले लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, 12 का मतलब 1, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम है 12, ठीक है ना, टोटल काम जो है वो है 12। तो हम करेंगे क्या कि क्षमता जो होती है एफिशिएंसी, क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय, जो इन्होंने कार्य किया और जो समय लगा उससे क्षमता हमको मिलती है। अब देखिए यहाँ पे इनकी क्षमता क्या है, ए की 2 है बी की 3 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 3 हो जाएगा, कार्य कितना है 12 है और समय कितना है, तो समय हमको नहीं है पता, 3 से इसको काटेंगे 3 चौके 12, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 3 चौके 12 आ गया, मतलब टोटल क्षमता के हिसाब से, मतलब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 4 काम कर देंगे, 4 मतलब दिनों में, 12 काम है तो 4 दिनों में दोनों लोग मिलकर करेंगे अगर काम, तो 4 दिनों में कर देंगे। अब हम करेंगे क्या कि जैसे कि यहाँ पे 4 तो आ गया और आगे इसमें ये,
अब ए की हमको वैल्यू निकालनी है, ए कितना भाग करेगा, तो ए का देखिए टोटल है 2 और टोटल इनकी क्षमता है 4, तो इन दोनों को मतलब ये देखिए दोनों मिलके करेंगे तो 3 होगा और ए 2 होगा, 2/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब 3 काम है तो 2 अकेले मतलब ए जैसे दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं ना तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और ए अकेले कर रहा है तो 2 करेगा, तो टोटल अगर 3 काम है तो 2 उसमें से अकेले करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 12 काम है, 12 अगर काम है तो 2 × 3 3 × 4 = 12, मतलब 4 × 2 = 8, 8 काम अकेले ए करेगा और रिमेनिंग 4 का बी करेगा, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा माइनर कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें आपको अगर परसेंटेज के अच्छे खास से क्वेश्चंस कह सकते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ए 3600 रुपये मूल्य वाले एक स्कूटर को बेचता है और वो अलग अलग तरीके से जो उसमें छूट देता है, मतलब 36,000 रुपये को इतने टुकड़ों में तोड़ के, 3 टुकड़ों में तोड़ के छूट देता है, और सभी छूटों को मिलाकर ओवरऑल 7% की छूट होनी चाहिए, ये इसमें कह रहा। देखिएगा 36,000 रुपये एक अमाउंट है, मतलब उसका मूल्य है 36,000, स्कूटर किसने प्राइस रखे 36,000 पे, ये 7% छूट देना चाहता है, लेकिन 7% डायरेक्ट नहीं देना चाह रहा है, तो 7% हम पहले निकाल लेते हैं ना, ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कटेंगे, 0 × 1 = 42, 2 × 4 = 2, 4 इधर आ गया, 7 × 3 = 21 और 25, 2520 रुपये की वो छूट देगा 7% के वैल्यू पे, लेकिन कैसे, यहाँ पे देखिएगा 36,000 में इसने 20,000 रुपये अलग किया और उस पर 8% की छूट दी, ठीक, फिर 10,000 रुपये का एक अलग अमाउंट निकाला और उस पर 5% की छूट दी, और एक 6,000 रुपये निकाला उस पे X% की छूट दी, ये हमको परसेंट निकालना है जिससे ओवरऑल उतनी वैल्यू आना चाहिए। चलिए इसको यहाँ से ये काट देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या, 200 × 8, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया 1600, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 100 × 5 = 500, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2100। अब 2100 को इससे माइनस कर दीजिए आप, 2520 − 2100, ये हमको मिल गया 420, मतलब 600 में ऐसा परसेंटेज 600 का निकालिए 420 आए, कुछ नहीं करना है, 6000 का 80% इतना परसेंट निकालना है, 420 है, तो 420 को हम ऊपर रखेंगे, नीचे में रखेंगे 6000, कूड़े में कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया, 6 × 7 = 42, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब 7%, 6000 पे आप 7% दीजिए तो ये पूरे तरीके से 36,000 पे 7% की छूट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बिजली की प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपये है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह छूट न देता तो उसका लाभ कितना होता, प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य जिसको हम मार्क प्राइस कह सकते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 690 रुपये दिया गया है, 690 रुपये दिया गया है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, 690 है
इस पर अगर हम 10% कर देंगे, 100% में से आप 10 निकाल देंगे तो 90 बचेगा, 90 आएगा तो हम 90 ऊपर रखेंगे और 100 कर देंगे, इससे ये और इससे ये कट गया, तो 6 69 9, 9 9 81 मतलब 8 रिमेनिंग बचा, 54 में 8 जोड़ देंगे, 54 में 8 जोड़ देंगे तो 2 621, 621 621 रुपये हमको मिल गया यहाँ से, 621 मतलब 690 का 21, 10% छूट जब जब दे देंगे ना, 621 रुपये आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, विक्रय मूल बराबर क्या होता है, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल प्लस लाभ, जो आप सेल करेंगे उसमें जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो आपने खरीदा या जिसने भी खरीदा तो उसका, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल प्लस लाभ, मतलब इस पे जो विक्रय मूल्य जिस भी प्राइस पे आप सेल करेंगे उसमें आपका क्रय मूल्य भी होगा और उसमें आपका लाभ होगा। सो अब इसमें हमारे पास क्या है अवेलेबल, विक्रय मूल्य 621 रुपये है, 621 रुपये हमारा सेलिंग अमाउंट है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है बराबर। अब प्लस में हम करेंगे क्या, ये 621 बराबर क्रय मूल्य हमारा एक्स मान लेते हैं और लाभ कितना हो रहा है, इसी एक्स पे हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज की वजह से हम इसको 100 नीचे लिखेंगे। अब ये देखिएगा, इस 100 का इंटू यहाँ हो जाएगा तो 621 बराबर 100x प्लस इसका इससे होगा तो 8x बटे का 100, 621 बराबर, तो ये 108 एक्स आ जाएगा और बट्टे में 100, इसको जब आप इससे काटेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1.08x, 621 बराबर 1.08x, एक्स को इधर छोड़ेंगे और इसको यहाँ पे ला देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 621 बटा 1.08, इसको जब आप काटेंगे तो समथिंग ये 575 के पास चला जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 575, ये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य, 575 जो है क्रय मूल्य हमारा क्या है, 575 है, विक्रय मूल्य 621 है, 621। तो अब हमको क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ जो होता है क्रय इनका डिफरेंट अमाउंट होता है, मतलब विक्रय मूल माइनस क्रय मूल होता है, तो हम इसको माइनस जब आकर कर देंगे, 621 में 575 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 575 में हम 115 अगर जोड़ दें तो 690 आ जाएगा, जो कि अंकित मूल हमारा इधर है, तो यहाँ पे हमारा 115 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो अंकित मूल पे होता है वो होता है आपका, अंकित मूल पे आपका लाभ, जो अंकित मूल आप करेंगे तो लाभ बराबर अंकित मूल माइनस क्रय मूल होता है, तो लाभ बराबर होता है, यहाँ पे अंकित मूल हमको लिखना है, अंकित मूल बराबर 690, 115 रुपये ओवरऑल हमको सभी छूट उट देने के बाद हमको चाहिए प्रॉफिट हुआ है 115 रुपये का। अब इस केस में हम कैसे, अब आगे क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य 200 कर देंगे, लाभ बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन में जो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू में 100 करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है,
तो प्रतिशत में हमको निकालना है, तो प्रॉफिट क्या है 105, कॉस्ट प्राइस क्या है 690 इंटू का 100 कर देंगे। इसको जब हम कटपिट करेंगे क्रय मूल्य, सॉरी 575 यहाँ पे है, एक सौ पंद्रह अपॉन में 575 इंटू पे 100, पांच से अगर काट दें तो पांच एक कम पांच, पचम पच्चीस, ये कट जाएगा, 5 × 2 = 10 = 20, ये एक बार में पूरी तरीके से कट गया 20% ऑन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी करने के बाद 20% की, पहले अगर वो 690 पे 10% का छूट ना दे तो ये दोनों अगर आप जोड़िए 18, तो मतलब एक वैल्यू है 20% के बराबर छूट प्रॉफिट होता। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कह सकते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें आप कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक संख्या x है प्लस दूसरी संख्या y है प्लस तीसरी संख्या z है, सभी की वैल्यू 116 है। अब ये 116 से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, अब आपको एक x इस तरीके से एक रेशो आप बना लीजिए, यहाँ पे दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 9:16 है, 9:16 इस तरीके से यहाँ पे हम इसको रख देंगे। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या पहली संख्या, फिर यहाँ पे हमको मिल जाएगी तीसरी संख्या। अब देखिएगा रेशो में क्या होता है, जैसे ये 9 है तो ये x के नीचे भी आ जाएगा, ये 4 जो है ये आ जाएगा जहाँ पे अगला ब्लैंक है, तो अगला ब्लैंक हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ 4। अब हम इसमें इंटू करेंगे इधर इसका सामने सामने का, मतलब ये हो जाएगा 9 × 4 में करेंगे तो 36, और 16 का इंटू करेंगे 4 में 64। अब हमसे पूछा कर रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में कह रहा है 66 व्यक्तियों जिसमें पुरुष महिला दोनों मिलकर हैं, 180 रुपए को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से 5:4 हो, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से 2:3 हो, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए। इसमें में कुछ नहीं करना है, 5:4 दिया गया है, यहाँ इसको हम M मान लेते हैं, यहाँ इसको W मान लेते हैं, महिला एंड पुरुष 3:2, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12, 2 से इसको काट देंगे तो 5:6। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 6×5 = 11 होगा, टोटल कितना है 66/11, इसको इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमको इसमें क्या कह रहा है कि 6 तो आ गया, अब आगे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब हम उस 6, ये 6 आ गया, अब 180 जो है 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 3 = 18, मतलब 30, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 100 अब ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।